ख्वाब में अपनी शादी होते हुए देखना, तो ये दलील है कि ऐसे शख्स की उम्र में कमी होगी, उम्र में नुकसान होगा जिसने ख्वाब में अपनी शादी होते हुए देखी है। और अगर औरत को, बीवी को दुल्हन बनाकर घर ले आया है और उसके साथ लेटा हुआ अपने आप को देखा है, इसकी शादी में की ख्वाब मुख्तलिफ हालत में आती है, बाद सिर्फ शादी होते हुए देखते हैं, बाद सिर्फ बाजे बजते हुए देखते हैं अपने आप को दूल्हा देखते हैं, और बाद खाना पकता हुआ देखते हैं अपने आप को दूल्हा देखते हैं, तो इसकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर शादी हो गई है और शादी करने के बाद बीवी को अपने साथ अपने घर में लेकर आ गया है और उसके साथ अपने आप को लेटे हुए देखा है, तो ये अच्छा ख्वाब है, ये बुजुर्गी की अलामत है, मनफियत की अलामत है, जिंदगी में अच्छाई की अलामत है, इज्जत की अलामत है और आला मकाम की अलामत है। अगर सिर्फ शादी होते हुए देखा है तो ये अलामत है कि इसकी उम्र में कमी होगी। और इसी तरह औरत ने शादी होते हुए देखी है और इस हालत में देखी है कि दुल्हा को ब्याने के लिए खुद गई है, यानी असूल तो ये है ना कि दुल्हा ब्याने के लिए आता है, लेकिन इसने ख्वाब में देखा कि ये ब्याने के लिए गई है, तो ये इसकी उम्र में कमी की दलील है। और अगर इसको लेने के लिए दुल्हा आया है, शादी इसको लेने के लिए आया है, तो ये अच्छा ख्वाब है, ये मन आफत पर और इज्जत पर दलील करता है।